हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सभी बेहतर होंगे। सेकेंड टर्म स्टार्ट हो चुका है और पढ़ाई का मन भी बना चुके होंगे, इसीलिए आज से हम शुरुआत कर रहे हैं आपके सेकेंड टर्म मैथमेटिक्स की स्टडी की, जिसमें मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं या शुरुआत करने जा रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सीरीज की, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका इस आज के लेक्चर में, आपका प्यारा सा चैनल FM मैथ्स, और मैं हूं आपका मैथमेटिक्स मेंटर फरमान मलिक। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो सबसे पहले बच्चों इंट्रोडक्शन करेंगे, टाइम वेस्ट करना नहीं है, फालतू की बातें करनी नहीं है। तो इंट्रोडक्शन, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की सबसे पहले जनरल फॉर्म अगर कोई पढ़ाए तो उस जनरल फॉर्म से पहले भी मैं एक सिचुएशन आपको देता हूं। सपोज कर लीजिए बच्चों दो कॉन्सेक्यूटिव नंबर है, नहीं मालूम, लेकिन वो दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है, कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर। क्योंकि मैं यूटिलिटी पढ़ाना चाह रहा हूं क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, हमारी लाइफ में यूज क्या है, मैं आपको डायरेक्ट रटाना नहीं चाह रहा हूं। तो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर है आपके पास दो, तो भैया एक को मैंने x मान लिया तो दूसरा जो है वो x प्लस वन हो जाएगा। सर कैसे? क्योंकि भैया नेचुरल नंबर कॉन्सिक्यूटिव है, लगातार आने वाले, एक x होगा तो उसके एक आगे वाला होगा और नेचुरल नंबर प्लस वन करके आ जाता है, इतना सभी बच्चे समझते होंगे, ठीक हो गई बात। अगर मैं इनका प्रोडक्ट करता हूं यानी कि इनका मल्टीप्लाई करता हूं x प्लस वन, तो जो मेरा आंसर मिलता है बच्चों वो मुझे मिलता है 121 मान लीजिए, सॉरी 110 मान लीजिए। तो नंबर बताइए क्या होंगे। अच्छा जी, एक नंबर कॉन्सिक्यूटिव है, दूसरा उसका ऑब्वियसली बात है नेचुरल नंबर है, कॉन्सिक्यूटिव है, एक x है, एक x प्लस वन हो गया, दोनों का प्रोडक्ट करके 110 आ रहा है। कैसे पता लगाएं? अगर हम इसका मल्टीप्लाई इससे कर लें क्या हुआ, एक्स स्क्वायर, एक्स की मल्टीप्लाई वन से कर लें। हालांकि कुछ बच्चे इतने एक्सपर्ट हैं डायरेक्ट पता लगा चुके होंगे कि नंबर कौन से है, क्योंकि मैंने आसान इक्वेशन बनाई थी। इसी टाइप से और भी क्वेश्चन हमारी रियल लाइफ में बेस्ड होते हैं, जहां पर इक्वेशंस बनती है जिसकी डिग्री 2 होती है, उसी को क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। लेकिन मैं ये आपको डायरेक्ट थोपना नहीं चाह रहा था। 110 को इधर ले आते हैं, माइनस में इक्वल में हो जाएगा 0। तो ये एक इक्वेशन बना बच्चों हमारे पास, क्या बना, इक्वेशन बना। इक्वेशन क्यों बना, क्योंकि इक्वल का साइन, और जहां भी इक्वल का साइन आता है तो वहां पे पर्टिकुलर फिक्स्ड आंसर होते हैं कि भैया कोई एक या दो नंबर ऐसे होंगे। डिग्री देखिए अब आप इसकी, हाईएस्ट भाई इसकी पावर कितनी है 1, इसकी पावर कितनी है 2। और पॉलिनोमियल चैप्टर फर्स्ट टर्म में आपने सीखा होगा जो हाईएस्ट पावर होती है किसी वेरिएबल की, किसी पॉलिनोमियल के अंदर, उसी को हम लोग क्या नाम दिए थे, डिग्री नाम दिए थे। बस शर्त यह थी कि पॉलिनोमियल में जितनी भी पावर हो वो होल नंबर में हो बच्चों, होल नंबर में या नेचुरल नंबर में, ठीक है ना, 0, 1, 2, 3 फ्रैक्शन में ना, 1/2 ना हो, वरना वो पॉलिनोमियल नहीं माना जाएगा। इतनी बात को याद रखेंगे, वरना पढ़ाने को तो बहुत सिंपल है कि भैया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन, ये एक्सरसाइज। लेकिन इस बार पैटर्न बिल्कुल चेंज कर रहा हूं, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाने वाला हूं। दिस टाइप बुक से कोई मतलब नहीं है, पूरे लेसन प्लान लेके स्टडी करनी है, क्योंकि फर्स्ट टर्म का साइंस का पेपर तो देख के पता चल ही गया होगा कि कोई भरोसा नहीं है कि आ जाए एग्जाम में, और सब्जेक्टिव एग्जाम इस बार तो होने वाला है, MCQs तो भूल जाइए, समझ आ रही है बात। तो बहुत डीप स्टडी हम यहां पर करेंगे। तो वापस आइए, देखिए क्या इक्वेशन बनी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 110। अब इसके फैक्टर करें, हालांकि फैक्टराइजेशन मेथड में आपको सिखाऊंगा लेक्चर 2 में, लेकिन थोड़ा बहुत आपको आता है तो उस बेसिक नॉलेज का यूज कर लीजिए। तो जब आप इसके फैक्टर करेंगे, मैं डायरेक्ट बना देता हूं, हालांकि आप बना के देख लीजिएगा। तो x प्लस 11 आएगा एक फैक्टर, और एक आएगा x माइनस 10 इक्वल टू 0, मैंने डायरेक्ट बना दिया। आंसर लेंगे तो x इक्वल टू माइनस 11, x इक्वल टू प्लस 10, यानी कि माइनस 11 रखवाने पे ये 0 बन सकता है, और आपका प्लस 10 रखवाने पे ये 0 बन सकता है, यानी कि देयर आर टू सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और बहुत सारे बच्चों को आज तक यही नहीं पता कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिफरेंस क्या था। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पढ़ा दिया सर वो भी तो यही था, तो यहां पे हमें ये क्यों सिखाया जा रहा है, ये चैप्टर क्यों बना। तो यहां पर बहुत सारी चीजें आपको डिफरेंट है, डिस्क्रिमिनेंट यहां पर आपको सीखने को मिलेगा, एक जादुई चीज है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आपको पढ़ने को मिलेगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हमारी रियल लाइफ में क्या यूज हो रहा है, कैसी सिचुएशन क्वाड्रेटिक फॉर्म में बनती है, और उसका हम कैसे सोल्यूशन फाइंड कर सकते हैं, वो भी इस चैप्टर में मिलेगा। जबकि फर्स्ट टर्म में क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल में हमने सिर्फ डील किया था
उसके जीरोस के रिलेशन से, सम ऑफ द जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस। लेकिन मैं यहां पे एक डिफरेंस आपको बेसिक बताऊंगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ पॉलिनोमियल एंड एन इक्वेशन। इसके बाद पहले यह समझ लेते हैं। तो भैया मैंने नंबर बताया था नेचुरल, नेचुरल नंबर माइनस तो हो नहीं सकता, तो आंसर आया 10। तो x की वैल्यू 10 आ रही है, तो x प्लस 1 की वैल्यू क्या आएगी 11, और इन दोनों की मल्टीप्लाई करा लीजिए आप 10 की 11 से, आंसर कितना आएगा 110। तो कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। मैं पढ़ा नहीं रहा हूं, मैं पढ़ाने नहीं आया हूं, मैं सिखाने आया हूं, मैं रटाने नहीं आया हूं। तो बात समझ आ गई आपको क्या, कि भैया मैंने एक नंबर को x माना, दूसरे नंबर को माना मैंने x प्लस 1, क्योंकि कॉन्सेक्यूटिव दिया था, नेचुरल दिया था। अब आप समझ रहे हैं, मैंने बिना पढ़ाए ही वर्ड प्रॉब्लम अराइज करी है आपको, पहली वर्ड प्रॉब्लम से ही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाई गई थी। अब आपको पहले न्यूमेरिकल पढ़ाए जाते हैं और बाद में वर्ड प्रॉब्लम, वर्ड प्रॉब्लम को साइड कर दिया गया और उन्हीं से बच्चे डर रहे हैं, वर्ड प्रॉब्लम ही नहीं बन पा रही है बच्चों से। सर क्वेश्चन तो हो जाते हैं ले दे के, लेकिन वर्ड प्रॉब्लम नहीं होती है। बेटा वर्ड प्रॉब्लम से ही तो कॉन्सेप्ट बने हैं, अगर उस लैंग्वेज को फील कर लिया आपने, लैंग्वेज को ब्रेक कर लिया आपने, छोटे छोटे बेसिक होते हैं, छोटी छोटी जानकारियां होती हैं, एंगल्स की जानकारी, एज की जानकारी, एरिया की जानकारी, पेरीमीटर की जानकारी। लेकिन मैंने क्या कहा, मैं कुछ रटाऊंगा नहीं, मैं आपको सारे बेसिक क्लियर कराऊंगा। तो यहां से शुरू करते हैं फिर से। तो जैसे इस प्रॉब्लम, एक मैंने सैंपल प्रॉब्लम लिया, बात को समझिएगा यार, हो सकता है 2 मिनट में आपके ज्यादा ले लूं, हो सकता है मैं 5 मिनट ज्यादा ले लूं, मैं 20 मिनट एक्स्ट्रा पढ़ा दूं, लेकिन कॉन्सेप्ट सिखा के जाऊंगा, क्योंकि यहां पे कोई रेस नहीं चल रही कि मैं आगे निकलना चाह रहा हूं, मैं आगे निकलना चाह रहा हूं। वो कॉम्पिटिशन में होता है, वहां पे शॉर्ट ट्रिक, लर्निंग, रट्टा सब चलता है। लेकिन सीखने में जब हम सीखते हैं, लर्निंग करते हैं, तब हम कोई स्टेप स्किप नहीं कर सकते बच्चों, याद रखना। लाइफ में तब कोई शॉर्ट ट्रिक यूज मत करना, जब सीखो, जब एग्जाम लिखो जितनी शॉर्ट ट्रिक यूज कर मिले करो, जब एग्जाम लिखो जितना रट मिले, जितने डायरेक्ट आंसर बना सको बनाओ, लेकिन लर्निंग में कभी मत करना, क्योंकि शॉर्ट ट्रिक ही लर्निंग से बनी है। चलिए वापस आते हैं। तो एक नंबर आया 10 और एक नंबर आया 11, किसकी हेल्प से, एक इक्वेशन बनी थी मेरी, इस इक्वेशन को मैंने सॉल्व किया फैक्टराइजेशन से। यही जो इक्वेशन बनी है आपको, इसकी जनरल फॉर्म क्या दिखाई दे रही है बच्चों, अब बताइए। एक नंबर स्क्वायर वाला है, एक नंबर एक्स वाला है, मतलब एक नंबर डिग्री 2 वाला है, एक वेरिएबल डिग्री 1 वाला है, और एक जो टर्म बना है कॉन्स्टेंट है, यानी कि वो फ्री ऑफ वेरिएबल है। तो यहां से मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन की डेफिनेशन अराइज करने वाला हूं, अब समझा के ना के रटा के। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन वो होती है बच्चों जिनकी जनरल फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, जरूरी नहीं है प्लस और माइनस भी हो सकता है, तो बी माइनस का कर लोगे, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यार, ये मत करना भैया कमेंट सेक्शन में, सर माइनस भी तो हो सकता है, इतनी मैथमेटिक्स नहीं आती है क्या आपको, बहुत आती है, सीखते रहिए बस। तो कोई इक्वेशन जब इस फॉर्म की होगी ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, इतना काफी नहीं है, इतना काफी नहीं है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को डिफाइन करने के लिए। देखो वेयर ए कॉमा बी एंड सी आर रियल नंबर्स, रियल नंबर तो आई होप आप समझते होंगे बच्चों, अ सेट ऑफ रेशनल एंड इरेशनल नंबर, फ्रैक्शन हो जाए, रूट में नंबर, एबीसी की बात कर रहा हूं, सॉरी एबीसी रूट में आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रूट के अंदर नेगेटिव ना हो, क्योंकि वो इमेजिनरी हो जाएगा। रियल नंबर के लेक्चर अगर जिसने नहीं देखे हो, फर्स्ट टर्म में मैंने जो पढ़ाए थे, वीडियो अपलोड है चैनल पे, तो आप पहला लेक्चर देख सकते हैं, इमेजिनरी नंबर का पूरा इंट्रोडक्शन मैंने वहां पर दिया है। इमेजिनरी नहीं होने चाहिए बस, बस एक कंडीशन और है बच्चों, अभी ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन क्या है, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों सर, क्या होगा, हिमालय में भूकंप आ जाएगा अगर ए जीरो हो गया। हिमालय में भूकंप तो नहीं आएगा बेटा, मगर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिगड़ जाएगी, लीनियर हो जाएगी, क्वाड्रेटिक रहेगी ही नहीं। अच्छा क्वाड्रेटिक जो वर्ड ले रहे हैं ना, क्वाड्रेटिक वहीं से आया है जिसकी डिग्री कितनी होती है, डिग्री होती है 2, 2 का मतलब क्वाड, सही है, जिन इक्वेशन की डिग्री होती है 2 वहीं से बढ़ा है क्वाड, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और इक्वेशन का मतलब इक्वल का साइन लगा हुआ। अभी देखते हैं दूसरी कंडीशन पर बात करते हैं, ए नॉट इक्वल टू जीरो, सपोज कर लो सर हम तो करके देखेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, इफ ए इक्वल टू जीरो तो इक्वेशन में क्या होगा, जीरो की मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर से होगी, ये शहीदम हो जाएगा,
क्या बचेगा? बी एक्स प्लस सी, हाइएस्ट पावर कितनी बची? 1। और जब हाइएस्ट पावर 1 होती है उसी को हम लोग कहते हैं लीनियर पॉलिनोमियल, लेकिन यहां पे इक्वल का साइन लगा है। अब बच्चे समझ गए होंगे इक्वेशन और पॉलिनोमियल में क्या डिफरेंस है। फिलहाल तो ये क्या बन जाएगी? लीनियर इक्वेशन, जो कि क्लास 7-8 में पढ़ी थी। हाँ, तो हिमालय पे भूकंप तो नहीं आ रहा, लेकिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर हलचल जरूर आ जा रही है अगर ए बराबर ए इक्वल टू 0 हो जाए तब। तो बच्चा लोग, दो कंडीशन सेटिस्फाई चाहिए ही चाहिए, ए बी सी आर रियल नंबर चाहिए और ए नॉट इक्वल टू 0 चाहिए, और एक्स जो वेरिएबल की पावर है यार, क्योंकि पहला टॉपिक जो मैं आपको आज पढ़ाने वाला हूं वो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, सॉरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। मैं कुछ क्वेश्चंस आपको दूंगा, ठीक है, और क्वेश्चन का सोर्स है आरडी शर्मा सर की बिंदास बुक, जिसको देख के बच्चे कुछ बेहोश भी हो जाते हैं कि भैया आरडी शर्मा तो नहीं करेंगे। आरडी शर्मा कर लोगे, हुआ कोई नहीं है, एक एक सवाल समझ लो, पूरा सॉल्यूशन आपका बनवा दूंगा आरडी शर्मा का। और आरडी शर्मा कर ली तो आरएस अग्रवाल, एनसीईआरटी तो अपने आप ही हो गई फिर, ठीक है भाई। तो पहला टॉपिक भाई, टॉपिक वाइज पढ़ना है, एक्सरसाइज कुछ नहीं चलेगी, नोटबुक और पेन निकाल के बैठो बस, ठीक है, वीडियो को पॉज कर करके सवाल लगाओ। हाँ जी, तो बात क्या कर रहे थे? तो बात ये कर रहे थे कि भाई अगर a बराबर 0 हो गया तो वो लीनियर हो जाएगा, तो ए बी सी रियल नंबर चाहिए। दूसरी एक इंपॉर्टेंट बात बता दूं, आइडेंटिफिकेशन में बहुत काम देगी, ये जो x की पावर दिख रही है ना आपको, x की पावर ये सारी बच्चों होल नंबर में होनी चाहिए या नेचुरल नंबर बोल रहे हो, ये वाली तो 2 होनी चाहिए, इसके बाद ये जो बचा ये होल नंबर में चाहिए। सपोज कह लो अगर यहां पे b रूट x आ गया तो x का मतलब होती पावर 1/2, अंडर रूट का मतलब ये तो होता है पावर 1/2, तो ये क्वाड्रेटिक नहीं माना जाएगा। समझ में आ रही बात? क्योंकि ये पॉलिनोमियल ही नहीं रहेगा। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन अगर आपको याद होगी, डिग्री सारी पॉजिटिव होनी चाहिए और होल नंबर में होनी चाहिए। हाँ, बी पे रूट लग जाए, भाई क्या बोला था जल्दी देखो, क्या बोला था? ए बी सी आर रियल नंबर, तो रूट भी हो जाएगा, रियल रहेगा, लेकिन एक्स की पावर हमें पॉजिटिव चाहिए, ये बात भी याद रखिएगा। पॉजिटिव से मतलब फ्रैक्शन से नहीं है, कहोगे सर पॉजिटिव तो भैया 2/3 होता, पॉजिटिव चाहिए और होल नंबर चाहिए, ठीक हो गई। चलिए, तो ये था आपका इंट्रोडक्शन बच्चों, ये था आपका इंट्रोडक्शन। अब उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गई होगी, एक रियल लाइफ की प्रॉब्लम ली, वहां से क्वाड्रेटिक इक्वेशन अराइज करके दिखाई। अब एक इंपॉर्टेंट बात भैया, इंट्रोडक्शन लेक्चर है तो इंट्रोडक्शन तो मिलेगा, बोर होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि किताब उठाओ क्वेश्चन करो, नंबर भी आ जाएंगे, क्वेश्चन के आंसर भी निकल आएंगे, अंडरस्टैंडिंग क्या होगी? बाबा जी का ठुल्लू, अंडरस्टैंडिंग कुछ है ही नहीं। तो आज मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इक्वेशन एंड पॉलिनोमियल। समझ में आ रही है बात? देखो अगर, चलो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ही ले लो, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वेयर a नॉट इक्वल टू 0 और बाकी वो a b c आर रियल नंबर, वो सब है। ये क्या होगा भैया? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, वेयर a नॉट इक्वल टू 0, वो कंडीशन तो लगेगी लगेगी। मतलब इक्वेशन बढ़ी आया इक्वल के साइन से, इक्वेशन में इक्वल का साइन होना जरूरी है, पॉलिनोमियल में इक्वल के साइन की कोई जरूरत नहीं है। एक एग्जांपल के लिए लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, यही भी वही लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस x प्लस 1, लेकिन यहां 0 रखेंगे। अगर हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने लग जाएं बच्चों, यानी कि x की वो वैल्यू जो इसको सेटिस्फाई कर दे, x की वो वैल्यू जो हम यहां पर रखवाएं और आंसर कितना है 0, तो उस वैल्यूज को क्या बोलेंगे हम? या तो जीरोस बोल देंगे, फर्स्ट टर्म में सीख के आयो, या फिर हम उसको रूट्स बोल देंगे, या फिर हम उसको सॉल्यूशन बोल देंगे कि सॉल्यूशन है ये इस इक्वेशन के। लेकिन इसका कोई फिक्स्ड सॉल्यूशन नहीं है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होता है, उसकी वैल्यू होती है। सर कैसे? सर समझाओ, देखो फिर 1 2 2 भैया इसके फैक्टर कर लो यार, तो प्लस का 2x ले लो, माइनस का x ले लो, है प्लस का 1 ले लो, इसके फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं क्योंकि इसका आ रहा है नेगेटिव इक्वेशन। कोई बात नहीं यार, अभी डिस्क्रिमिनेंट की नॉलेज हो जाएगी तब समझोगे, इक्वेशन थोड़ा चेंज कर लें, तो इक्वेशन चेंज कर लेते बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 2x और ऐसा करते प्लस 3x प्लस 2, ठीक, इक्वल टू 0, इधर भी यही कर दो, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक भैया, घर की इक्वेशन है तो इधर उधर तो हो सकती है, थोड़ी बिगड़ भी सकती है, जब डिस्क्रिमिनेंट
पढ़ लोगे तब समझ पाओगे सर ने वो इक्वेशन क्यों मिटाई। चलो फिलहाल 2 1 2 तो प्लस का 2x प्लस का x प्लस 2, x कॉमन ले लो, x प्लस 2 बनेगा। यार फैक्टर सिखाऊंगा चिंता मत करो, कहीं सोचो सर ने डायरेक्ट ही बस रेल बना दी, नहीं नहीं ऐसी बात नहीं। सही है भाई, क्या वैल्यू आ गई, x बराबर माइनस 2 और x बराबर माइनस 1। फैक्टर आते होंगे सभी को, जिसको नहीं आते हैं सिखाएंगे यार, दूसरा लेक्चर पूरा फैक्टराइजेशन पे बन रहा है। अब यार ये तो पॉलिनोमियल था, यहां तो इक्वल टू जीरो है नहीं। अब एक काम करो, x की वैल्यू 1 डलवाओ, तो 1 का स्क्वायर 1, 3 1 जा 3 प्लस 2, 3 2 5 और 1 6। x की वैल्यू 2 डलवाओ, तो 2 का स्क्वायर 4, 3 2 जा 6 और 6 2 8 4 12। इस तरीके से कितनी वैल्यू निकाल सकता हूं मैं, जल्दी बोलो कितनी वैल्यू निकाल सकता हूं। इनफाइनाइट, यानी कि पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन नहीं होती, पॉलिनोमियल की, अरे बंगाली बोल दी मैं, पॉलिनोमियल की सॉल्यूशन नहीं होती, पॉलिनोमियल की होती है वैल्यू। पॉलिनोमियल का सॉल्यूशन नहीं होता, पॉलिनोमियल की होती है वैल्यू, जबकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फिक्स्ड आंसर होते हैं। ये दो ही नंबर है दुनिया में, माइनस 2 और माइनस 1, जो इस इक्वेशन में रखने पर इसको जीरो बना सकते हैं, बना इसको भी जीरो देंगे, लेकिन वो उसकी वैल्यूज कहलाएगी। माइनस 2 पे इसकी वैल्यू जीरो आएगी, माइनस 1 पे भी इसकी वैल्यू जीरो आएगी। तो वैल्यूज बहुत सारी हो सकती हैं, लेकिन रूट्स जीरोस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो ही होंगे, वो दो रियल एंड इक्वल होते हैं, रियल एंड अनइक्वल होते हैं, लंबी कहानी है आगे समझाएंगे। तो अब मैं उम्मीद करता हूं कि पॉलिनोमियल और इक्वेशन में आपको डिफरेंस समझ में आ चुका होगा। इक्वेशन में इक्वल का साइन होगा यार, बेसिक डिफरेंस है, और पॉलिनोमियल में इक्वल का साइन नहीं होगा। दूसरी बात, इक्वेशन की फिक्स्ड वैल्यू होगी, अगर लीनियर इक्वेशन है तो एक होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है 2 होंगी, क्यूबिक इक्वेशन है 3 होंगी, क्योंकि जितनी डिग्री होती है उतने ही सॉल्यूशन होते हैं। पॉलिनोमियल की इनफाइनाइट वैल्यू होंगी, जो भी नंबर रखवाओगे उस पर कोई ना कोई आंसर निकल के जरूर आएगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द डिफरेंस बिटवीन एन इक्वेशन एंड ए पॉलिनोमियल, क्या ये बात आपको पता थी पहले से। अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो माई बच्चा पार्टी, ये रहा हमारा आज का टॉपिक 1। यार 17 मिनट का मैंने कराया इंट्रोडक्शन, मुझे लगता है कि अब आज के बाद प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती क्या है। फिलहाल टॉपिक वाइज मैंने जैसा बोला था, टॉपिक वाइज पढ़ाऊंगा, नो एक्सरसाइज, इसलिए नोटबुक में नोट्स बनाते हुए चलना कि सर ने क्या क्या टॉपिक पढ़ाए थे और क्या टॉपिक का नाम था। किसी भी चीज में प्रॉब्लम नहीं आएगी, किसी भी चीज में आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर एवरीथिंग। तो पहला टॉपिक जो मैं लेकर आया हूं और जिस पे मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि क्वेश्चन बन सकता है हल्का क्वेश्चन, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। भैया क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब पढ़ चुके हो तो नॉलेज तो होनी चाहिए, कुछ इक्वेशन लिख के आएंगी और आपसे पूछेंगे कौन सी क्वाड्रेटिक है कौन सी नहीं। रूल मालूम है ना, ए बी सी रियल नंबर, ए नॉट इक्वल टू जीरो, और एक्स की सारी पावर होल नंबर में चाहिए, बात खत्म। उड़ा दोगे। क्वेश्चन का सोर्स है आर डी शर्मा सर की ब्यूटीफुल सी मोटी सी किताब। तो पहला क्वेश्चन जो यहां पे मैंने क्वेश्चन बच्चों लिख रखे हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x इक्वल टू जीरो, कंपेयर मारो। हालांकि तुमने देखते ही आंसर दे दिया है, मैं समझ रहा हूं, लेकिन सिखाना तो है ना, तो सीख लो यार, वरना आगे बढ़ा लो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ए की वैल्यू भैया एक्स स्क्वायर कोएफिशिएंट ए यानी कि 1, इतना टाइम नहीं लगाना है वैसे, एक्स एक्स वाला टर्म है, बी की वैल्यू माइनस 3, ए बराबर 1 हो गया, बी बराबर माइनस 3 हो गया, कोफिशियंट है ही नहीं, सॉरी कोफिशियंट बोल दिया, कॉन्स्टेंट टर्म है ही नहीं, तो जीरो है ना। क्या जीरो रियल नंबर नहीं है? बताओ इस बात पे कसम खाओ, जीरो रियल नंबर है कि नहीं है? अरे नहीं, डरा नहीं रहा हूं यार, जीरो रियल नंबर है, ठीक है कि नहीं? तो जीरो तो हो सकता है, बस ए जीरो नहीं होना चाहिए। यहां पे एक्स की पावर 2 है, यहां एक्स की पावर 1 है, तो भैया इक्वल का साइन भी है, जीरो भी है, तो यस सर, इट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आगे से इस तरीके से नहीं समझाऊंगा, नन्हे मुन्ने बच्चों की तरह नहीं समझाऊंगा, दूसरा सवाल लेने चल रहे हैं। सर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो सर मैं नहीं खेलूंगा, सर हम नहीं खेलेंगे यार, सर ये हमें ऑलरेडी आता है। अरे देख तो लो, आगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं, आगे देखो, छोड़ के मत जाओ। देखो सर नहीं है, सर क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों बेटा? सर इसकी पावर 1 है, सर इसकी पावर 1 है, अगर इसको ऊपर लेके जाए तो सर x की पावर माइनस 1 हो गई, और इस माइनस 1 को इधर ले आए। हाँ बात तो बेटे तेरी सही है, पावर 1, सर आपने कहा था क्वाड्रेटिक में 2 चाहिए,
सर आपने कहा था होल नंबर चाहिए, माइनस वन इंटीजर है सर, होल नंबर नहीं है। तो सर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो सर ने क्या करा ना, सर के पास कॉपी पहुंची, सर ने यूं यूं कट्टम पिट्टा कर दिया, काट दूंगा। क्यों सर, खुद ही पढ़ा रहे हो और खुद ही गलत कर रहे हो सवाल। नहीं बेटा, सोचा नहीं तुमने सही से, इसको जरा सिंपलीफाई तो करो। एलसीएम लेते हैं तो निंजा टेक्निक लगाते हैं, एक्स की एक्स से मल्टीप्लाई, एक्स स्क्वायर वन की वन से मल्टीप्लाई, नीचे इन दोनों की मल्टीप्लाई। हाँ जी ठीक हो गई बात। जिन बच्चों को एलसीएम लेने नहीं आते, एक बार पहले भी सिखाया था मैंने, वेरिएबल के एलसीएम में दिक्कत आती है, इसकी मल्टीप्लाई से मारो, इसकी मल्टीप्लाई से मारो, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर दो। निंजा टेक्निक इक्वल टू वन, भाई वन के मल्टीप्लाई में जाएगा एक्स, एक्स को इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब बताओ भैया कसम खा के क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है, है या नहीं? आंसर है यस सर है। तो बुद्धू मत बन जाना, फुद्दू बच्चों की तरह देखते ही मत बोल देना, देखते ही जज मत कर देना, जिस तरीके से किसी ने कहा था, ठीक है ना, कि एक किताब को उसके कवर देख के जज नहीं कर सकते, इसी तरीके से एक इक्वेशन को देख के जज मत कर देना कि इट इज क्वाड्रेटिक और नॉट। सॉल्व कर लेना पहले, सिंप्लीफिकेशन लगा लेना पहले, बुद्धि लड़ा लेना। इसलिए मैंने कहा था इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। बच्चे यही सोच रहे हैं कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्या हम इतने बुद्धू हो गए कि हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल पता नहीं लगा पाएंगे? अरे तो पता लगाइए ना फिर। चलिए चैलेंजिंग क्वेश्चन पकड़िए, तीसरा लगाइए पता। सर आप तो नाराज हो गए। अरे नहीं यार, नाराज होने की बात है यार, ऐसी बात कर दी आपने। चलो सवाल देखो, 2x प्लस 5 और दूसरी ब्रैकेट क्या है भाई, 5x माइनस 3। क्या इस टाइप की इक्वेशन को, क्या एनसीईआरटी में पहला सवाल ये नहीं है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है कि नहीं है? लेकिन मैंने तो नहीं पढ़वाई कि एक्सरसाइज दिस वन, उसको देख के बच्चे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं कि एनसीईआरटी का सोल्यूशन मिल जाए कहीं से यूट्यूब चैनल पर। सीखना हो तो इधर आ जाओ, रटना हो तो कहीं जाओ। सिखाऊंगा तो किसी भी किताब का सॉल्यूशन खुद बना पाओगे। किताब का सॉल्यूशन देखना है तो भैया लाइफ टाइम देखते रहो, तुम्हारी प्रॉब्लम तुम्हारे साथ, वरना मैं हमेशा तुम्हारे साथ। चलो बोलो सर, सॉल्व करना पड़ेगा तो करो फिर, देर किस बात की, देख के जज मत करना, क्या पता एक्स स्क्वायर वाला नंबर ही कट जाए। बोले सर स्क्वायर है तो क्या करें, क्या पता इधर भी 16 एक्स स्क्वायर बन जाए, कैंसिल हो जाए। अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी रिप्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, तो इस फॉर्म में भी तो लेकर आओ, तभी तो एबीसी की वैल्यू पता लगेगी। चलो भैया 2x की 5x से कराओगे कितना बनेगा, 10x स्क्वायर। 2x की माइनस 3 से कराओ कितना बनेगा, माइनस का 6x। 5 की 5x से कराओगे कितना बनेगा, 5 5 25x। 5 की 3 से कराओगे माइनस का कितना बनेगा, 15। स्क्वायर वाला नंबर जो है ना, स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है उसको पॉजिटिव रख लेना यार, क्या दिक्कत है, ठीक है? तो इसको इधर उठा लो, 16 में से 10 जाएंगे डायरेक्टली लिख दे रहा हूं, ये माइनस में आएगा ना, 6x स्क्वायर माइनस का 6x प्लस का 25x कितना बचा, प्लस का 19x। इधर लेके आओगे तो माइनस का 19x हो जाएगा, माइनस का 15 इधर लेके आओगे, प्लस का 15 और माइनस का 3 है तो माइनस का 12 बराबर 0। तो a की वैल्यू 6, b की वैल्यू माइनस 19, c की वैल्यू माइनस 12, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन में डिग्री 2 भी आपको दिखाई दे रही है और इस वाले नंबर की डिग्री होल नंबर भी दिखाई दे रही है। तो यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यस इट इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक हो रही बात, तो पहचानना सीख लो यार, आगे तो बड़े मजे के लेक्चर होने वाले हैं, फिर कॉन्सेप्ट तो आगे से आ ही रहा है, फिर दिक्कत कोई नहीं है। एक क्वेश्चन और बनाते हैं कि 2x स्क्वायर माइनस का रूट 3x, हाँ भैया रूट में ये x, गलत नहीं लिखा है, बताओ यस और नो, जल्दी बोलो कौन नो। सर काहे नो बोल दिए, x स्क्वायर भी था, अंडर रूट 3 था, रियल नंबर तो था ही था, 9 भी था। अच्छा बेटे पॉलिनोमियल ही ना बन रहा तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, समझ रहे ना, एवरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन मस्ट बी अ पॉलिनोमियल, और पॉलिनोमियल वही होता है जिसकी डिग्रीज होल नंबर। देखो बेटा देखो, अंडर रूट 3 भैया, अंडर रूट के अंदर x भी है तो x की पावर क्या है, 1/2। क्या समझे, क्या समझे, 9=0, और इसकी डिग्री होल नंबर नहीं है। क्या ये आपको सीखा हुआ था, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, कहीं इसको देख के जज कर दो। इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इंट्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आता हो तो ये लेक्चर मत देखो, और ये नहीं आता हो तो ये लेक्चर देखो। ठीक हो गई बात, अब ढूंढो कहीं से भी क्वेश्चन उठाओ, एनसीईआरटी से उठाओ, आरडी शर्मा से उठाओ, एक क्वेश्चन और ले लेते हैं।
x प्लस वन अपॉन x इक्वल टू एक्स स्क्वायर। बताइए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। सर अब आपने सिखा दिया, देख के जज बिल्कुल नहीं करूंगा, उल्लू बिल्कुल नहीं बनूंगा। एलसीएम लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई किया एक्स क्यूब बन गया, और ये एक्स स्क्वायर उधर ले गया माइनस में, ये वन भी उधर ले गया माइनस में। सर ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसकी डिग्री थ्री है, और थ्री वाली को बोलते हैं हम क्यूबिक इक्वेशन। ज्यादा तेज तो नहीं पढ़ा रहे, कोई बात नहीं है, बेसिक है बेटा, बर्दाश्त कर लो। हो गई बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, ठीक है। तो बच्चा पार्टी ये हो गया अपना टॉपिक वन कंप्लीट। अब टॉपिक टू यानी कि क्वेश्चन किस टाइप के होंगे, बेसिक लेक्चर है। अब देखिए दूसरे टाइप के क्वेश्चन इस तरीके के मिल सकते हैं, नाम डाल दिया है, गिवन वैल्यूज आर सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नॉट। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अपन को गिवन आएगी और उसके बराबर में एक या दो वैल्यूज दे रखी होंगी, और पूछा जाएगा कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन है या नहीं है। पुट करा के देखो, जीरो आ रहा है तो सॉल्यूशन है, नहीं आ रहा है तो नहीं है। पहले क्वेश्चन की मुंह दिखाई यहां से कर लेते बच्चों, जैसे अपना ने पहला टॉपिक निपटाया था ऐसे ये निपटा लेंगे। तो बड़ा आसान सा एक क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू इक्वल टू जीरो। तो बेटे क्वेश्चन हो गया अपना ये, और जो दो वैल्यूज दे रखी हैं वो दे रखी हैं एक्स बराबर दो और एक्स बराबर माइनस का एक। तो भाई पुट कर लेते हैं, एक्स इक्वल टू टू पुट कर लेते हैं। तो जब टू पुट करोगे तो टू का स्क्वायर, यार ऐसे ही बता दो यार, छोटे बच्चे नहीं हो भैया, सारे नंबर आएंगे प्लस के क्योंकि प्लस का टू रखोगे और ये है सारे प्लस। तो दो का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू टू, ऐसा नहीं कि पूरा सॉल्व करके बता रहे हैं पूरी लंबी कहानी, ना 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 ना, दिमाग लगाओ यार, जनरल इंटेलिजेंस लगाओ, ऐसे बता दे रहे नॉट इक्वल टू जीरो। थोड़ा सा स्मार्ट बनो, 2021 खत्म होने वाली है। तो ये हो जाएगा अपना नॉट इक्वल टू जीरो, यानी कि x इक्वल टू टू इज नॉट अ सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। माइनस वन के चांसेस बन सकते हैं भैया, बन ही रहे हैं। तो फॉर माइनस वन देखो भैया, माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस टू, माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन, थ्री वन जा माइनस का थ्री हो जाएगा बच्चा लोग, प्लस का टू क्या बनेगा, प्लस तीन माइनस तीन बराबर शून्य। यस यस मैन, एक्स इक्वल टू माइनस वन इज द सोल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बन गई बात। अब बताइए मुश्किल है? सर ये तो इतना आसान है, लेक्चर क्यों देखें, काहे टाइम वेस्ट करा रहे हो? तो सवाल देख लो फिर, अब बढ़िया वाला। तो सवाल ऐसा है, एक्स स्क्वायर जिसमें थोड़ा दमदार तो हो जाए सर, ऐसा सवाल तो करा दीजिए कम से कम बच्चों को। तो एक्स स्क्वायर माइनस का थ्री रूट थ्री एक्स प्लस का सिक्स इक्वल टू जीरो, ये हो गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। और जो अपन को साइड में वैल्यू गिवन है वो है रूट थ्री माइनस का टू रूट थ्री, ये वैल्यूज है, ये पॉलिनोमियल में भी अपन ने करे थे क्वेश्चन। तो चलिए भैया चेक करके देखते हैं, फॉर एक्स इक्वल टू रूट थ्री, तो रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का थ्री रूट थ्री इंटू रूट थ्री प्लस सिक्स, रूट थ्री का स्क्वायर थ्री माइनस, भैया थ्री बनेगा रूट थ्री की रूट थ्री से कराओगे थ्री हो जाएगा, थ्री थ्री जा नाइन हो जाएगा, साफ दिखाई दे रहा है, प्लस का नौ माइनस का नौ बराबर शून्य बराबर शून्य। यानी कि यस, एक्स इक्वल टू रूट थ्री इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। बताइए मुश्किल है? बहुत आसान टॉपिक है, इसके बाद एक क्वेश्चन और कराऊंगा जिसमें आपको दिक्कत आ सकती है। चलिए माइनस टू रूट थ्री के लिए चेक कर लेते हैं बच्चों। तो माइनस टू रूट थ्री का स्क्वायर माइनस का थ्री रूट थ्री माइनस टू रूट थ्री प्लस का सिक्स, ऐसे ही बता देते नहीं है, ऐसे ही बता देते सॉल्यूशन करने की जरूरत का है। क्यों? माइनस का स्क्वायर पॉजिटिव, माइनस माइनस पॉजिटिव प्लस सिक्स। भैया अब से आंसर थोड़ी पूछ रहे हैं कि भैया हमें आंसर निकाल के बताओ जो भी आ रहा है। नॉट इक्वल टू जीरो यानी कि नो, हमें तो यस नो बोलना है। क्लियर हो रही है बात कि नहीं हो रही है? ठीक है, तो बेवकूफ मत बनो कभी भी, क्वेश्चन की जो डिमांड है ना उसको फॉलो करो, बस क्वेश्चन क्या चाह रहा है, लंबी चौड़ी कहानियां मत लिखो, एक आखिरी क्वेश्चन देख लो क्या क्वेश्चन है। ए स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस थ्री ए बी एक्स और प्लस का टू बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, और x की वैल्यू दे रखी है a अपॉन b और दूसरी वैल्यू दे रखी है b अपॉन a। एक बार चेक कर लें कि आवाज वगैरह सब ठीक आ रही है। हाँ भाई सब ठीक आ रही है, बिल्कुल ठीक है। चेक करना पड़ता है, कई बार तो ऐसा हो चुका है कि मैं इधर लेक्चर शूट कर रहा हूँ और उधर मोबाइल ही स्विच ऑफ हो गया, ऐसा हुआ है कई बार, तो बीच में देखना पड़ लेता है। ठीक हो गई बात? हाँ जी। तो अपन चेक कर लेते हैं पहले x इक्वल टू a अपॉन b के लिए।
तो x इक्वल टू बच्चों a अपॉन b जब हम रखवाएंगे तो ए स्क्वायर ए अपॉन बी का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का 3ab और x की जगह a अपॉन बी हो जाएगा, प्लस का 2b स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की मल्टीप्लाई स्क्वायर से कराओगे ए की पावर 4 अपॉन बी स्क्वायर, माइनस 3a स्क्वायर, b से b तो कैंसिल हो जाएगा, तो माइनस का 3a स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर। कुछ बच्चों कैंसिल नहीं हो रहा, ए की पावर 4 ना आपस में जुड़ रहा है, तो चाहे माइनस आए चाहे प्लस आए आंसर, लेकिन जीरो तो नहीं आने वाला है इस पे। तो सर ये तो नहीं है सॉल्यूशन आपका, बट बी अपॉन ए सॉल्यूशन है, चेक कर लीजिए भाई। तो इस टाइप के क्वेश्चन में दिक्कत आ सकती है, इसलिए हम कह रहे थे कि आसान नहीं है भैया, थोड़ा बहुत तो काम करना पड़ेगा, प्रैक्टिस पहले से रखनी पड़ेगी। हर टाइप के दुश्मन से लड़ के एक एक बार लड़ो, और इसके लिए एंटीबॉडी बना लो, बायोलॉजी का कॉन्सेप्ट है। वायरस इंट्रोड्यूस तो हो एटलीस्ट आपको, जब वायरस इंट्रोड्यूस हो जाएगा तभी तो व्हाइट ब्लड सेल एंटीबॉडी बनाएंगे, समझ आ रही बात? हाँ, तो हर टाइप का एक एक क्वेश्चन करो, लेकिन कर लो एग्जाम से पहले, वो हम कराएंगे सारे। चलो बी अपॉन ए लगवा देते हैं, बी अपॉन ए का स्क्वायर माइनस का 3abx प्लस का 2b स्क्वायर बन रहा है, बिंदास बन रहा है, x की वैल्यू b अपॉन ए, बिंदास बन रहा है, धूमधाम से बन रहा है। देखो भैया ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, ए अपॉन बी का स्क्वायर करोगे ना, 3ab b अपॉन ए प्लस का 2b स्क्वायर है, a से a कैंसिल हो गया, ए स्क्वायर से स्क्वायर कैंसिल हो गया, क्या बच रहा है बी स्क्वायर, माइनस का 3b इंटू बी, माइनस का 3b स्क्वायर प्लस का 2b स्क्वायर, प्लस का 2b स्क्वायर और प्लस का b स्क्वायर कितना बना 3b स्क्वायर, माइनस का 3b स्क्वायर इक्वल टू 0, यानी कि x इक्वल टू b अपॉन a इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक क्वेश्चन मैं आपको बोर्ड पे लिख के देता हूं, इसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अगर आपका मन करे, वरना होमवर्क में कर लीजिए। x प्लस वन अपॉन एक्स, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो होगी ही होगी, क्योंकि इस टाइप का मैंने सॉल्व करा दिया है आइडेंटिफिकेशन में, 13/6 ये क्वेश्चन है, और इसकी वैल्यू दे रखी है हमें, x की वैल्यू 5/6 है एक बच्चों, और एक वैल्यू है 4/3। तो इसको आपको बताना है कि ये जो दो दिए हुई वैल्यूज हैं x की, ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है, ये हमारा टॉपिक 2 भी बच्चों यहां पर कंप्लीट हो जाता है। अब टॉपिक 3 बच्चा लोग ये है अपना, क्या है इनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो टॉपिक 3 है। टॉपिक 3 इसमें क्या होगा ना, आपको ये बता दिया जाएगा कि ये जो वैल्यू है ये इसका जीरो है, यानी कि ये इसका रूट है, ये इसका सॉल्यूशन है। तो एक अननोन लगा दिया होगा उन्होंने, एबीसी जो होते थे ना हमारे, मान लो 2x स्क्वायर है यार, दिखा देते हैं, प्लस का 3x प्लस का 4, 3 की जगह उन्होंने कर दिया kx और बोल दिया भैया x इक्वल टू 3 इज अ सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। तो इस अननोन की वैल्यू बताओ, k क्या रहा होगा? तो भैया जब ये 0 है यानी कि सॉल्यूशन है, तो 3 को यहां पुट करो, 0 तो इक्वल में रख लो, क्योंकि 3 रखने पे 0 आ रहा है, उन्होंने बोला है, सॉल्व कर लो k के लिए, आराम से हो जाएगा यार, कोई दिक्कत है नहीं। तो इस टॉपिक का नाम है, अपनी नोटबुक में नोट करिए, क्योंकि मैं आपको टॉपिक वाइज पढ़ा रहा हूं, टॉपिक नोट नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। तो क्या है भैया टॉपिक का नाम है, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन अननोन व्हेन द सॉल्यूशन या रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्योंकि बात क्वाड्रेटिक पे चल रही है, वरना कोई से भी इक्वेशन में अननोन डाल सकते हैं आप। तो व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर या इज, जो भी लगा लो, गिवन। क्वेश्चन की मुंह दिखाई करेंगे, पहला क्वेश्चन उठा लेते हैं, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन उठा। तो क्वेश्चन देख लो भैया क्या है, थोड़ा अच्छा ही क्वेश्चन ले लेते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स ए प्लस बी प्लस के इक्वल टू जीरो और एक्स इक्वल टू ए इसका सॉल्यूशन है, यानी कि आर्बिट्री कॉन्स्टेंट की फॉर्म में इक्वेशन है, एबीसी की फॉर्म में इक्वेशन है, के की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक, और एक्स इक्वल टू ए इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। रखवा दो भैया ए स्क्वायर माइनस का ए ए प्लस बी प्लस के सॉल्यूशन है इसका, तो जीरो तो आया नहीं आना है, ए की मल्टीप्लाई ए से करा लो, ए स्क्वायर आएगा, आगे माइनस है माइनस लग जाएगा, माइनस ए की बी से कराओगे बेटे माइनस का ए बी हो जाएगा, प्लस का के इक्वल टू जीरो हो जाएगा, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल हो गया, माइनस के बी को उधर ले जाओ, तो के की वैल्यू ए बी, अगर आप के की वैल्यू ए बी रखवा लेते हैं तो एक्स बराबर ए इसका सॉल्यूशन होगा 100%। के की वैल्यू ए बी रखवाओ
और ये माइनस के भी आ रहा था, माइनस एबीसी प्लस एबी कैंसिल होकर जीरो बनाएगा कि नहीं बनाएगा? तो ये इसका जीरोस या रूट होगा अगर के की वैल्यू ए बी हो जाए तब। एक अच्छा सा क्वेश्चन और देख लीजिए, अब बताइए सिंपल लग रहा है कि नहीं लग रहा है? अगर सीक्वेंस से पढ़ते हो आप, स्टार्टिंग से पढ़ते हो, तो यकीनन मजा आएगा, यकीनन। इसी तरीके से पूरी समझ लीजिए सीरीज आपकी चलने वाली, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फैक्टराइजेशन मेथड, उसके बाद आपका श्री धाराचार्य रूल, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से जो डेवलप हुआ था, पूरा प्रूफ बताने वाला हूं उसका, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। उसके बाद वर्ड प्रॉब्लम, डिस्क्रिमिनेंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। पूरी सीरीज आपको यहां वन बाई वन मिलने वाली है, चिंता की कोई बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है के एक्स स्क्वायर प्लस अंडर रूट टू एक्स माइनस का फोर इक्वल टू जीरो, और जो इसकी वैल्यू है वो है x इक्वल टू रूट टू, यानी कि x इक्वल टू रूट टू इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, इट इज गिवन इन द क्वेश्चन। सो व्हाट वी हैव टू डू नाउ, वी हैव टू पुट x इक्वल टू रूट टू इन दिस इक्वेशन एंड सॉल्व फॉर k। सो लेट्स स्टार्ट, k इंटू रूट टू स्क्वायर प्लस रूट टू इंटू रूट टू माइनस फोर इक्वल टू जीरो। रूट टू का स्क्वायर टू हो जाएगा, तो ये बच्चा लोग बन जाएगा 2k, रूट टू की रूट टू से कराओगे टू हो जाएगा, माइनस का फोर, टू के टू में से फोर जाएगा, माइनस का टू बचेगा ना, डायरेक्ट लिख दें के इक्वल टू वन, भैया टू उधर जाएगा, टू के इक्वल टू टू, टू से टू कैंसिल हो गया, के की वैल्यू वन आ गई अपने पास। अब बताइए कोई दिक्कत? तो ये थे बच्चों आज के टॉपिक, जिसमें तीन टॉपिक मैंने फिनिश कराए और बहुत ही बेसिक लेक्चर था ये, बहुत बेसिक। असली रेस तो फैक्टराइजेशन से शुरू होनी है। अब कहोगे सर फैक्टराइजेशन भी हमने सीख लिया था भैया पॉलिनोमियल में, वो बेटा सिंपल क्वेश्चन थे, थोड़ा सा हिंट देके जाता हूं। फैक्टराइजेशन को अपन डिवाइड करेंगे तीन फॉर्म में, अगले लेक्चर के लिए हिंट दे रहा हूं। एक होती है सिंपल इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, एक मैंने टाइप टू में बनाया है जिसमें ए पे रूट लगा होगा, अगर ये फैक्टर आते हैं तो अगला लेक्चर मत देखना। और सबसे मुश्किल जिसको मैं मानता हूं वो ए और सी तो रेशनल नंबर होंगे, बट जो बी होगा उस पर रूट लगा होगा, तो इससे जरा मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड जब हम लगाते हैं तो ये सबसे मुश्किल देता है। इसकी एक ट्रिक सर ने बनाई है आपके, यानी कि मैंने, तो दिक्कत की कोई बात नहीं है, बहुत ही मजा आएगा नेक्स्ट सीरीज में। ये तीनों टाइप के आपको फैक्टराइजेशन सिखाने वाला हूं विद डिटेल, मोर देन 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन तो कराऊंगा ही कराऊंगा। तो बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। और दूसरी बात यह है, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको लेक्चर समझ में आ रहा है और आपको मजा आ रहा है, आपने कुछ सीखा है, तो जो भी आपके दो चार दोस्त पढ़ने वाले हैं उनको प्लीज जरूर शेयर कीजिए, इससे मुझे मिलता है मोटिवेशन, थोड़ी हौसला अफजाई भी होती है, अच्छा भी लगता है आप लोगों का सपोर्ट देख के। तो बहुत जल्दी बच्चों आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ध्यान रहें, सतर्क रहें, क्राइम पेट्रोल वाला सतर्क नहीं रहे, पढ़ते रहें। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ।